अब इंडिया जो है वो पूरा वर्ल्ड जो है उसको देखता है कि वो यूएसए के कोलैबोरेशन के साथ और डिफरेंट जो है आईटी टाइकॉन कह सकते हैं उनके कोलैबोरेशन के साथ अपने उन्होंने कंट्री के अंदर अपनी यूथ को अपनी यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया। इंडिया में लोग वहाँ से 30-30 हज़ार डॉलर मंथली कमा रहे हैं और जबकि हमारे पाकिस्तान में अभी उस सिस्टम को मैं ही पाकिस्तान से लीड कर रहा हूँ और मैक्सिमम जो टीम है 1.5 मंथ के अंदर 700 बंदे की है। एक तो उनका एक है उनके पास लेबर बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात यह कि वो हार्ड वर्किंग है। यहाँ पर लोग हार्डवर्क कम है और लोग कोशिश करते हैं शॉर्टकट ज़्यादा ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, अगर हम इंडिया के यूनिकॉर्न स्टार्टअप की बात करते हैं और विद अ वैल्यूएशन तो 345 बिलियन डॉलर पे जो है वो गया हुआ है। क्या कहते हैं इंडिया के जो है इतने ज़बरदस्त जो प्लेटफॉर्म है, एक हेल्थ के हवाले से भी है एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा जो अभी दिसंबर में टॉप 3 हुए हैं, एक हेल्थ के हवाले से हैं और एक है ग्लोबल भी और एक है मामा अर्थ। तो आप क्या कहते हैं इनका जो प्लेटफॉर्म है किस तरह से इतनी हाई पे गए हैं, क्या इनकी एवेल्यूएशन होती है और किस तरह से वर्किंग करते हैं? आइए आवाम की तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अगर हम पाकिस्तान के कोई ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि वो है भी कि नहीं, अगर वो थोड़ा आगे भी जा रहे हैं, अगर वो डिफ़ॉल्ट भी कर रहे हैं तो इसमें किसकी ज़िम्मेदारी बनती है? आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। नहीं, पाकिस्तान में तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब तक गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट नहीं करती तब तक कोई भी कंपनी जो है ई कॉमर्स के सेक्टर में यूनिकॉर्न को जो है रीच नहीं कर सकती, बिलियन डॉलर कंपनी नहीं बन सकती। पाकिस्तान में भी एज आ स्टार्टअप जो है उसमें अभी 3-4 जो है वो नए नाम आ रहे हैं उभर के, जो कि बहुत सी हमारी जो यंग जनरेशन है उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं ई कॉमर्स के सेक्टर के बारे में कि आपने कैसे जो है इंटरनेशनल मार्केट को आपने फोकस करना है, उनको आपने टारगेट करना है, पाकिस्तान में बैठे आपने रिमोट जॉब करनी है। तो उसके अंदर काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक अभी तो एक दो जो हॉट नेम्स हैं वो जेन में आ रहे हैं, लाइक जैसे एक आज़ाद चाय वाला, उसके अलावा एक यूएसए में बैठा है वो तो पाकिस्तानी जो है नेशन उसको ट्रॉल भी बहुत करते हैं, जैसे लाइक शायद अनवर है, शायद अनवर है। उसके अलावा एक वो सनी करके है कोई, वो भी पाकिस्तान में कर रहे हैं, उनका आई थिंक सो इंस्टीट्यूट का नेम मेरे जेन से निकल गया, वो भी कर रहे हैं। वो उन्होंने जस्ट स्क्रैच से स्टार्ट किया और आज वो बहुत बड़ा एक ग्रुप बन गया, डिफरेंट सिटीज़ में उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट्स वगैरह ओपन किए हैं और वो बहुत जो है या यूथ को भी जो है रिलेटेड कर रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं डिफरेंट स्किल्स। ठीक है, मतलब आप बात करें तो इतना जा रहे हैं, ऐसे ऐसा हो रहे हैं, लेकिन जब तक उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ ना मिले तो अगर किसी मुल्क की अगर हम बात करते हैं किसी और की, अगर हम अमेरिका यूएस वो तो माशाल्लाह काफ़ी हाई जाते हैं, अगर हम बात करते हैं अपने हमसाया मुल्क इंडिया की, वहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि करंटली जो है 108 जो है इस तरह से यूनिकॉर्न आप बात करें स्टार्टअप की बात अगर मैं करूं तो वेरी एवोल्यूशंस की अगर हम बात करें तो 345 मिलियन डॉलर पे वो गए हुए हैं। क्या कहते हैं आप इतनी उनकी मेन अगर मैं बात करूं बहुत ज़्यादा ग्लोबल बीज है जैसे उनकी बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ हैं तो जो बहुत ज़बरदस्त आगे गई हैं, तो वो किस तरह से जो है इस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो काम करते हैं और लोगों का ट्रस्ट भी इतना डेवलप होता है, इतने बिलियंस पर भी वो चली जाती हैं? उसमें सबसे पहले तो चीज़ की है ना कि आपकी गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे देखती है। अब इंडिया जो है वो पूरा वर्ल्ड जो है उसको देखता है कि वो यूएसए के कोलैबोरेशन के साथ और डिफरेंट जो है आईटी टाइकॉन कह सकते हैं उनके कोलैबोरेशन के साथ अपने उन्होंने कंट्री के अंदर अपनी यूथ को अपनी यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया, उन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ओपन किए हैं, उनको टैक्स रेमिडीज़ दी हैं उन कंपनीज़ को वहाँ पर स्टार्टअप के लिए। और इंडिया तो आईटी के हवाले से जो है इस वक्त पूरे एशिया में जो है सबसे ऊपर जा रहा है और सबसे ज़्यादा उनका जो अलाय है वो यूएसए के साथ है और यूएस उनको इस हवाले से बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है। 3-4 उनकी जो मेन कंपनीज है जैसे मदर मामा और उसके अलावा ग्लोबल बीज है, एक और प्रीस्टन करके है, वो जो है बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ है और वो यूनिकॉर्न लेवल तक की जो है ना वो कंपनीज ग्रो कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखिए हर एक लिहाज से जो है इंडिया अपने आप को हर एक सेक्टर में बड़ा सेल्फ डिपेंड होते जा रहे हैं और अपने आप को ग्रो भी करते हैं और अब तो मिलियंस के हिसाब से बिलियन के हिसाब से बातें होती हैं उनकी। तो क्या कहते हैं इन सब में जो है किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे, किसका मेन किरदार होता है, आवाम का होता है, हुकूमत या उधर के इदारों का होता है? सबसे पहली चीज़ ये है कि जब तक आपके कंट्री में पॉवर्टी ख़त्म नहीं हो गई, जब तक बेसिक रोज़गार जो है वो लोगों को नहीं मिलेगा तब तक लोग इस चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते, ना जो बिजनेसमैन तबका है वो ना स्टार्टअप के बारे में सोच सकता है जिसके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, वो सोचता है कि भाई जन कंट्री के हालात कैसे हैं तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो रोक लेता है। ठीक है, पाकिस्तान में देखिए इस वक्त पॉलिटिकल कंडीशन क्या चल रही है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो है इस वक्त पाकिस्तान के, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में भी सारे मामला ऐसे ही होते हैं लेकिन वहाँ पे जो है वो सारे मामला अलग अलग हैं, वहाँ पे जो मोदी साहब बैठे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने बिजनेसमैन तबके को।
तो इसी से अगर आप देखें वहाँ का बिजनेस ग्रो करेगा तो पूरा इंडिया ही ज़्यादा ग्रो करेगा। तो अब हर एक जगह उनकी यूएस में भी आपने कहा उनके बड़े कॉन्टैक्ट और बातचीत है, अगर चाइना से लेने रशिया से सबसे वो ताल्लुक बड़े बेहतरीन बना के रखते हैं। क्या कहते हैं हमें भी इंडिया के साथ जो ताल्लुक हैं थोड़ा ऑनलाइन के तौर पर ही बनाने चाहिए कि नहीं, थोड़ा होता है टेक्निक्स पता चलती हैं, हो सकता है वहाँ से कोई इस तरह से आ जाए और हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो हम ग्रो पर चले जाए। नहीं, अगर इंडिया नहीं भी आता तो उसके बारे में जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि पाकिस्तान की जो यूथ है उसके अंदर अपना बहुत पोटेंशियल है, इंडिया की ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट इस सेंस में करती है कि उन्होंने उनको प्रॉपर चैनल दिए हुए हैं कि वो अपनी जो रेमिटेंसेस वगैरह वो मंगवाते हैं। अब एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देख लें, पाकिस्तान में जो है वो एक पेपाल तो अभी तक आ नहीं सका जो कि वर्ल्ड वाइड चलता है, ठीक है। पाकिस्तान जो भी है वो पुराने टेक्निक्स पे, वेस्टर्न यूनियन पे या डिफरेंट दो नंबर तरीके हैं जो कि हमारे जो फ्रीलांसर्स बैठे हैं, जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ बैठे हैं जुड़े लोग, वो उनको काम करने का एक प्रॉपर चैनल ही नहीं इन्होंने दिया हुआ, इनके ऊपर कोई फोकस ही नहीं किसी चीज़ का। अभी जो रिसेंटली बजट गया है, इसहाक डार साहब ने उसके ऊपर कहा कि जी हमने आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि $6 मिलियन के ऐसे करके कोई उनका था एनालिसिस कि हमने इस इंडस्ट्री को जो है ना फैसिलिटेट किया, लेकिन वो सब तक बातों की हद तक किया। अगर वो करें तो फिर वो नज़र भी आता है। तो क्या कहते हैं अपकमिंग यहाँ पर भी कोई ऐसे प्लेटफॉर्म बड़े ही आगे तक जाएंगे, और अगर आगे तक जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म को क्या रूल्स होने चाहिए और किस तरह उनको फॉलो करना चाहिए? रूल्स कुछ भी नहीं है, पोटेंशियल तो बहुत है पाकिस्तानी यूथ में, ये करते भी हैं और यहाँ पे इनिशिएटिव लेने के लिए लोग भी हैं बहुत ज़्यादा जो कि ले भी रहे हैं, यूथ को सिखा भी रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा एक नाम मैं लूँ JDC, JDC उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, कराची वाले, उन्होंने अब IT सिटी बनाई है कराची में भी, हैदराबाद में भी, लाहौर में भी, वो मॉडल टाउन में स्टार्ट कर रहे हैं। मैं उनके जो है ना टिकटॉक्स वगैरह देख रहा था, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को जो सिखा रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज हैं, एथिकल हैकिंग का कोर्स है, उसके अलावा ई कॉमर्स है और डिफरेंट कोर्सेज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। बस ये कि हुकूमत को थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए ताकि फैसिलिटीज़ दें तो आगे हमारे स्टूडेंट भी अप कर सकें। उसमें ये है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट कर रही है, मुराद सही साहब ने उनको किया कराची में, उनको जगह प्रोवाइड किया। यहाँ पे मैं उनका एक वो वीडियो देख रहा था, JDC वाले उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, वो बड़े अच्छे भाई हैं, तो उन्होंने यहाँ पे मॉडल टाउन में APS में उनको कोई जो है ना DCO साहब ने कोई जगह अलॉट की है, यहाँ पे भी वो जो है ना थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जिन्होंने इंटर किया हुआ या मैट्रिक किया हुआ उनको वो इतना 3 मंथ्स की या 4 मंथ्स की ट्रेनिंग देंगे, स्किल्स सिखाएंगे, उनका जो कोर्स का टेन्योर है ताकि वो खुद बैठ के रिमोट जॉब करके ना अपने मामला चला सकें। आप इंडिया की बात करें, आप देखें इंडिया आज इतनी तरक्की कर गया, उसकी सारी तरक्की का राज क्या है कि वो उन्होंने यहाँ तक के बैंक लॉन्च कर दिए क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है, यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी में बैंक लॉन्च कर दिए। और जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ फिल वक्त वो भी USA का प्रोजेक्ट है, लेकिन इंडिया में लोग वहाँ से $30,000 मंथली कमा रहे हैं, और जबकि हमारे पाकिस्तान में अभी उस सिस्टम को मैं ही पाकिस्तान से लीड कर रहा हूँ और मैक्सिमम जो टीम है 1.5 मंथ के अंदर 700 बंदे की है। अच्छा, तो वो अगर, जो प्लेटफॉर्म है वो किस उसके थ्रू है, कौन सा वो प्लेटफॉर्म है, क्या नाम है? प्लेटफॉर्म का नाम लाइव गुड है, USA बेस्ड कंपनी है, एक्चुअल में वो मेडिसिन बेस्ड कंपनी है, लेकिन 2003 से रन कर रही है, लेकिन लास्ट ईयर दिसंबर में कंपनी ने उसे उसमें अपना एफिलिएट मेंबर प्रोग्राम फेंका और वो इतनी तेज़ी से फेंका कि 6 मंथ के अलसे में 5 लाख प्लस लोग इसमें आ गए। देखें आप, देखिए कितनी तेज़ी से जो लोग किसी उसमें ऐड होते हैं, ठीक है, अब वो छोड़ें, अब ये देखें कि उसमें $30,000 अगर आप उसे पाकिस्तानी में देखें तो आप हिसाब लगाएं कितने लाख बनते हैं, और वो 1 मंथ की अर्निंग है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वीकली $600 से $700 अर्न कर रहा हूँ और जस्ट 1.5 मंथ की समझ लें कि मेहनत में, अभी आगे जाके ये बढ़ता चले जाएगा। बिल्कुल, तो अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, जो मैंने आपको बताया ना ग्लोबल बी, मामा अर्थ, ठीक है, और एक हेल्थ का उनका है, तो उसमें जो है उनकी वैल्यूएशन अभी करंटली जो है $345 मिलियन, वो बिलियंस पे गए हुए हैं। क्या कहते हैं, उन्होंने अपना क्राइटेरिया ऐसा बनाया होता है, उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है एक प्लेटफॉर्म पूरा चलाने में और यूनिकॉर्न तक ले जाने। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको उनकी हुकूमत सपोर्ट करती है, जबकि हमें ये कह देते हैं जी आपका क्रिप्टो करेंसी बंद कर दिया जा रहा है, आपका बाइनांस पूरा बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि जहाँ से हम लोग इनकम क्रेजी थोड़ी सी इनकम करना स्टार्ट करते हैं ये लोग कहते हैं जी ये इलीगल है, यहाँ से मनी रोटेट हो रही है, ये वो, तो मतलब ये दबा देते हैं हमारे सिस्टम। अगर हम यहाँ पे अपना ऑफिस भी लॉन्च करते हैं, हालांकि 2003 से USA में वर्क कर रही है, इन्होंने हमें आना है उठाना है अंदर क्या कर रहे हो, ठीक है, और यही चीज़ जब इंडिया में हो रही है, जब इंडिया आप देख लें कि हमारा 1 रुपया होता था उनका आधा होता था, आज उनके 4 हमारा 1 रह गया, क्या वजह है कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी को काम करने दिया। आज वो लोग 3 महीने में तकरीबन 3 लाख मेंबर बना चुके हैं और हम लोग
अभी मतलब हमें तो स्टार्ट ही ना करने देते हैं। अगर हम स्टार्ट करते भी हैं, यूट्यूबर्स की हेल्प लेते हैं, तो वो कहते हैं जी ये फेक है, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, मतलब इसी तरह के रिव्यूज देखने में मिलते हैं। और वो कहते हैं कुछ प्लेटफॉर्म फेक भी होते हैं और कुछ वो अपना प्रेजेंट भी ऐसा करते हैं कि बीच में लोग ऐसे होते हैं वो अपना रखे जाते हैं, जैसे मार्जिन अपना रखते रहते हैं और आगे प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए फिर वो गलत फहमी या फिर वो आगे डेवलपमेंट नहीं होती। सबसे बड़ी बात है जब हम एक फंक्शन रखते हैं कि ये एक प्लान है, यूएसए बेस्ड कंपनी है, 2003 से रन कर रही है, जैसे ये जैसे हम पुलिस को आप लोग छिलर कहते हैं, ऐसे जैसे FIA वगैरह कोई भी छोटी सी बात फैलती है उस प्रोग्राम में, आगे वो जो हमारा लाखों का खर्चा हुआ जाता है उसको भी दबा देते हैं और बंदा उठाते हैं अंदर, कहते हैं कितना पैसा कमाया, जितना कमाया हमें तो फिर बाहर छोड़ेंगे वरना नहीं। तो इस डर की वजह से हमारे नौजवान, हमारा तबका घर से बाहर ही नहीं निकलता, इस काम करने के लिए मादा ही नहीं होता, यहाँ तक कि वो ऐसे फंक्शन भी अटेंड करना मुनासिब नहीं समझते कि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या काम करें, क्या तरक्की करें, आप बता दें क्या तरक्की। बिल्कुल ऐसी बात है, आप देखें इंडिया एक, आपने खुद ही अभी बताया कि उनका डॉलर अगर रुपया की बात करें वो हमसे काफ़ी पीछे था, वो हमसे तकरीबन 20 साल आगे चले गए हैं, बिल्कुल इस तरह से। तो आप क्या कहते हैं, हमें जो है इंडिया के साथ थोड़े से जो है ताल्लुकात इस तरह नहीं करने चाहिए, थोड़े चले ऑनलाइन ही हम दूसरे तो ताल्लुकात अच्छे कर लें, कोई हमारा माइंड सेट चेंज हो, कुछ हम तरक्की की तरफ आएँ, डेवलपमेंट की तरफ आएँ। बिल्कुल ऐसे ही है ना, देखें अभी ये हमें कुछ करने के लिए लीगल, जिस बिज़नेस को भी हार डालते हैं ये कहते हैं जी ये इलीगल है, ठीक है। अभी आप ये देखें कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जो ट्रेड पे आ गए थे, जो फ्रैक्स कर रहे थे, क्रिप्टो कर रहे थे, ठीक है, जिन्होंने स्पोर्ट में लेके चीज़ें रखी थी कि ये 10 लाख का लेके रखा है, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, ये 2 करोड़ का होगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा जी हम ये बाइनांस ही बंद कर रहे हैं, हम ये एक्सचेंज ही बंद कर रहे हैं। लोगों ने वो जो 10 लाख लगाया था उसका 6 लाख हुआ था, क्योंकि अभी मार्केट ऊपर जानी थी, इन्होंने डरा के लोगों का पैसा वापस हुआ। अब देखें अब बिटकॉइन $35,000 पे, $32,000 पे चले गया, कि जबकि हमने लिया था तब 20,000 पे, इन्होंने हमें डरा के वो सेल करवा दिया कि हम बंद करने जा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से तो हर एक में मिसकम्युनिकेशन होती है। क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई बेहतरी लाने के लिए सबसे पहले आप क्या कहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं अगर वो बेस्ट यूनिकॉर्न लेवल तक जाना चाहते हैं तो वो क्या करना चाहिए? लेकिन इसके लिए यही है कि हुकूमत हमारा साथ दे, ठीक है, हुकूमत में जितने भी हमारे MPs MNs हैं वो माशाल्लाह जिद्दी पुश्ती सीटें चलती आ रही हैं, ठीक है, नौजवान आगे आ नहीं रहे, ठीक है। अभी ये देखें अगर हमारे नौजवानों को प्रमोट किया जाए, उनको ऊपर लाया जाए, उनको भी पॉलिटिक्स में बिठाया जाए, ठीक है, और वो मशवरा दें कि यार ये चीज़ है आप ऑनलाइन बिजनेस करने दें, इसमें ये हमें बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि हम भी इस सतह पे इंडिया के बराबर नहीं तो उसके करीब ही हो जाएं, क्योंकि हालाँकि वो हमसे बहुत नीचे था लेकिन आज हम कह नहीं सकते कि वो हमसे कहाँ पर चले गया। सबसे पहले ये कि मैं तो ये फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, तो उसमें ये कपड़े से रिलेटेड है ज़्यादातर, और सबसे पहले जो कंपनी हमारे पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, तो जो कम हुई हैं तो सर उनका कम, जो कम ग्रो करती हैं या जिनके नहीं इतना आगे जाता उनका क्या रीज़न होता है कि उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती या हुकूमत की तरफ से कोई वो होता है या खुद उनकी वर्किंग के लिहाज से उनका क्राइटेरिया? हाँ, कुछ पॉलिसीज होती हैं जिनके ऊपर है ना वो वर्किंग नहीं करते, जिससे है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जो उनके है ना एक्सपेंस वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा हाई कर लेते हैं और उसके अंदर अपनी उनकी जो वर्किंग होती है ना वो प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से ना वो कंपनी डाउनफॉल में चली जाती है, जिसकी वजह से ना वो कंपनी डाउन में चली जाती है। मेन चीज़ होती है सबसे पहले बंदे को जो बाइंग है वो अच्छी और बेहतर तरीके से करनी चाहिए वर्किंग करके, उसके बाद ताकि जो अपनी वो चीज़ तैयार कर रहा है तो वो मार्केट से चीप प्राइस में तैयार करे ताकि वो मार्केट से बेहतर प्राइस में सेल आउट कर सके। जब बंदा वर्किंग नहीं करता तो वर्किंग किए बगैर बंदा बिजनेस स्टार्ट करता तो फिर उनके डाउनफॉल आते हैं काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, अगर सर हम बात करें डिफरेंट ममालिक की भी, आप देखिए US के भी ज़्यादा पता काफ़ी होंगे, वो तो वैसे ही नंबर वन पे जाते हैं, अगर हम बात करते हैं इंडिया या चाइना की, इंडिया की भी अगर हम बात करें उधर जो है अभी आप लास्ट देख लें 3 उनके टॉप बहुत बड़े गए हैं जिनकी, तो एक तो 8 उनके ही हैं यूनिकॉर्न अप जो स्टार्टअप होते हैं, उनकी अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो $345 बिलियन मतलब वो इसको क्रॉस कर चुके हैं। आप क्या कहते हैं वहाँ पर इतना लोगों का ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ है, उनकी जो साइट्स हैं उनकी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लोग यूँ जाते हैं और उनको यूँ काम होता है वो फिर बिलियन पर वो जाते जाते हैं, तो किस तरह से वो सारा सेटअप उधर अरेंज कर? एक तो उनका एक है उनके पास लेबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दूसरी बात यह कि वो हार्ड वर्किंग है, यहाँ पर लोग हार्डवर्क कम है और लोग कोशिश करते हैं शॉर्टकट ज़्यादा ढूंढते हैं, तो इस वजह से ना यहाँ पर थोड़ा कम है, पर जहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है, मतलब पर वो लोग ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं मैंने देखा। हार्ड वर्क कर रहा है तो क्या कहते हैं उधर जो है हुकूमत का भी कोई उसमें होता है बीच में अमल दखल के उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से या कोई ऐसे कि उनकी खुद की साइट के ऊपर ही होता है कि उनको आगे तक ले लीजिए? हुकूमत का भी होता है तकरीबन, मोस्टली लोगों का खुद पर होता है क्योंकि लोगों को इन्वेस्टमेंट तो चाहिए लगानी पड़ती है ना एक प्लेटफॉर्म पर।
उसमें ये है कि क्या नाम है, हुकूमत ज़्यादा पे करे उन्हें तो ज़्यादा फैसिलिटी करे, जो उनसे ज़्यादा हमारी उनसे इतने ये लेते हैं एक्सपेंस वगैरह टैक्सेस वगैरह लेते हैं, तो वो वहाँ पर भी लगाएं ताकि वो भी सही तरीके से काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर हम हर मुल्क तरक्की करता है, ज़्यादातर मोस्टली जितने भी मुल्कों ने तरक्की किया उसमें टैक्सेस जो उनसे ना बिल्कुल सही है वहाँ पर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से हर कंपनी जो भी उनकी पॉलिसीज होती हैं वो सही काम करती हैं, लोग फैसिलिटेट होंगे तो क्या नाम है मुल्क तरक्की करता है। बिल्कुल सर, अगर आप बताएं एक प्लेटफॉर्म कोई सा भी, आप हेल्थ का भी अगर प्लेटफॉर्म ले लें ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टर्स भी मौजूद होते हैं ठीक है, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स जो है वो देख के ही जाएंगे कि इसकी कितनी आगे रेंज जा रही है, कितनी वर्थ जा रही है, फिर वो जाके इन्वेस्ट करते हैं। डेफिनेटली वो पहले सारे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले अच्छी तरह वर्किंग करें तो फिर बंदा आगे ग्रो करता है, अगर किसी को देखकर बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया वर्किंग नहीं है एक्सपीरियंस नहीं है तो वो हमेशा डाउनफॉल ही जाएंगे, डाउनफॉल ही जाएंगे ठीक है। तो क्या कहते हैं हमें भी जो है अपने जैसे यूएस के साथ इंडिया के साथ सारे वो आपस में ताल्लुकात बड़े अच्छे लगते हैं ना वर्किंग के हवाले से, क्या कहते हैं हमें भी उनके साथ ताल्लुकात थोड़े बेहतर करने चाहिए। हाँ करने तो चाहिए क्योंकि ये ग्लोबल वर्ल्ड होगा तो लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस वगैरह बाकी पॉलिसी वगैरह शेयर करेंगे तो फिर एक ताकि उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास आए हमारी उनके पास आए तो फिर एक ग्लोबल वर्ल्ड बने। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी वाम की तरफ गए और उनसे पूछा कि अगर हम पाकिस्तान के कोई ऐसे अप वर्किंग जो प्लेटफॉर्म है उनके बारे में बात करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अभी तो फिलहाल इधर भी और काफ़ी बड़े बड़े हैं, उन्होंने दो दिन के बड़े बड़े नाम भी लिए कि वो हैं बड़ा प्रॉपर काम करें लेकिन उनको जो है फैसिलिटेट नहीं किया जाता, इन्वेस्टर्स अगर आते हैं इन्वेस्टर्स यहाँ आना पसंद नहीं करें क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म के पीछे इन्वेस्टर्स का भी हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर अभी डाउनफॉल चल रहा है हुकूमत की अनस्टेबिलिटी की से तो वो भी बेहतर होनी चाहिए, और अगर इंडिया की बात करते हैं वो तो वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आगे जा रहा है, तो उनके तो टोटल 108 जो हैं इस तरह से यूनिकॉर्न है आप स्टार्टअप जो है प्लेटफॉर्म इस तरह के हैं वो बड़े ज़बरदस्त गए हैं, और अगर हम दिसंबर की बात करते हैं टॉप 3 अगर वो गए हैं तो वो उनकी अपनी ही मेहनत, वहाँ पर लोग मेहनत बहुत करते हैं, यहाँ पर है शॉर्टकट आजमाने की कोशिश की जाती है और इस पर अप्लाई किया जाता है, और इंडिया जो है वो मेहनत करता है, मेहनत करने से नहीं घबराता है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।